गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, ठीक है, जो हम बहुत ही बीएससी लेवल पे या एमएससी लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीएसआईआर नेट के लिए और आईआईटी जेएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स है, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, जो 1900 से पहले की मैकेनिक्स है, जो न्यूटन ने दी थी, न्यूटन ने डेवलप की थी, जिसका नाम था क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले क्वांटम मैकेनिक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स व्हाट इज मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट, मैकेनिक्स जो मैकेनिक्स है वो एक्चुअल में है क्या, उसके बाद हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, तो पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स है क्या। देखो, मैकेनिक्स का यहां पे जो मतलब है वो है प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम का जो फ्यूचर है उसको प्रेडिक्ट करना ही मैकेनिक्स है। जैसे एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, एक क्लासिकल मैकेनिक्स में एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। देखो, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, फिर क्वांटम पे आएंगे। ठीक है, पहले हम मैकेनिक्स को समझते हैं, मैकेनिक्स क्या है, फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स पे आएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और इन आपस में हम रिलेशन बनाएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का और क्वांटम मैकेनिक्स का, और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है, जिसको हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस एम मास के ब्लॉक की जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। एक परपेंडिकुलर, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होती है जिसमें एक्स वाई एंड जेड। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक सिंगल पॉइंट होगा, ये जो एक सिंगल पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट दी पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इस ब्लॉक की जो पोजीशन होगी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये पोजीशन है एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। एक्स वन वाई वन एंड जेड वन इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक। जब ये ब्लॉक रेस्ट पे है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम पे इसकी पोजीशन है एक्स वन वाई वन और जेड वन। ठीक है, इसका जो मास है वो एम है। अब क्या करते हैं हम, इस ब्लॉक पे एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक का मास हमें पता है, इस सिस्टम के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, इस सिस्टम का मास क्या है, मतलब इसकी इनर्शिया के बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है, और इस ब्लॉक के ऊपर जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, मतलब हमने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के बारे में भी हमें कंप्लीट नॉलेज है। इस फोर्स के बारे में भी हमें नॉलेज है, फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, इस ब्लॉक पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें नॉलेज है। ठीक है, अब क्या होगा, इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है वो शिफ्ट करेगा, वो वाई डायरेक्शन में। देखो, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ऊपर वाली जेड है, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ये एक्स एक्सिस है, तो ये ब्लॉक है वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन एक्स वन वाई वन जेड वन थी, अब वो चेंज होके पोजीशन क्या हो जाएगी, मान लो अब जो पोजीशन है ब्लॉक को शिफ्ट करके यहां आ जाता है, मान लो इतना शिफ्ट कर देता है डेल वाई। ठीक है, मान लो जो ब्लॉक है वो डेल वाई डिस्प्लेसमेंट से शिफ्ट कर जाता है। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, अब इसकी पोजीशन होगी एक्स वन वाई वन प्लस डेल वाई और जेड वन। ठीक है, इसकी पोजीशन पहले मान लो ए थी, अब पोजीशन है इसकी बी, तो इसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो चुकी है ए से बी तक। ठीक है, ए इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ए इसकी इनिशियल पोजीशन थी जब इस ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, और बी इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, यदि हमें इस फोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, इस ब्लॉक का ये जो सिस्टम है, एक ब्लॉक है, इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज है, इसका मतलब ये किस तरीके का सिस्टम है, इसका मास कितना है, इसका इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो हम इसके, यदि हमें प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, एक्चुअल में हम कह सकते हैं इसका जो प्रेजेंट हमें वो अच्छी तरीके से पता है, उसकी हर एक चीज पता है, तो हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसे ही हम मैकेनिक्स कहेंगे। फ्यूचर में इसका प्रेजेंट मतलब इसकी हमें पोजीशन पता है, इसके प्रेजेंट में क्या क्या आ जाएगा, देखो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है,
और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है इसका, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका कितना मास, यदि इन सब के बारे में हमें नॉलेज है तो वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द सिस्टम। हम बता सकते हैं फ्यूचर में वो किस पोजीशन पे होगा, फ्यूचर में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्यूचर में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर्टेनली 100% श्योरली हम बता सकते हैं उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या एक्सीलरेशन होगा और उस पर क्या फोर्स होगा उस टाइम पे। मतलब यदि हमें बेसिकली है कि मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, यदि हमें उसके प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तो हम इजीली उसका जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन के बारे में पूरी नॉलेज है, उस पर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कौन कौन से है, इट कैन ओनली मूव इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, देर इज नो मोशन इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन, एक्स और जेड में ये मूव नहीं कर सकता, इट इज बाउंड टू मूव इन ओनली वाई डायरेक्शन, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यदि हमें इसके प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, प्रेजेंट मतलब इसके प्रेजेंट में क्या क्या आ जाता है, पोजिशन, पोजिशन हमें पता है, इसकी वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी, इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो हमें पता है, फोर्स पता होगा, एक्सीलरेशन हमें पता होगा, यदि इन सब के बारे में हमें नॉलेज है, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस पे कौन कौन से पाबंद इस पे लग रहे हैं, इन सभी के बारे में यदि हमें नॉलेज है तो वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस सिस्टम। फ्यूचर मतलब उसकी पोजिशन क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन सब के बारे में हम इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो सिस्टम था उसके हमें प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और उसका हम फ्यूचर जो प्रेडिक्ट करते हैं वो एक्यूरेट होता है, 100% सर्टेन फ्यूचर होता है, डेफिनेट होता है वो एकदम, ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं होती। और ये हम प्रेडिक्ट करते किसकी मदद से, हम करते हैं न्यूटन्स लॉ की हेल्प से। यदि हमें एक इक्वेशन है हमारे पास न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम ए, या इसको हम लिख सकते हैं एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन एम, इसको ये भी लिख सकते हैं एम डी वी बाय डी टी, ये भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की हेल्प से हम उसकी फाइनल पोजीशन या उसकी फाइनल वेलोसिटी या उसका फाइनल एक्सीलरेशन ये सब हम बता सकते हैं। तो ये इक्वेशन एक टूल है जो ये काम करती है प्रेजेंट से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट ऑफ एनी क्लासिकल सिस्टम वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट काइंड ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज एक्चुअली ए टूल, इट वर्क एज ए टूल, ये टूल की तरह काम कर रहा है। इस टूल की हेल्प से वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एनी क्लासिकल सिस्टम। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी। प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज का मतलब वी नो द पोजीशन ऑफ द सिस्टम, वी नो द वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन दैट सिस्टम, वी नो द एवरीथिंग अबाउट द प्रेजेंट ऑफ द सिस्टम। हम प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन होगी, तब वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट सिस्टम वेरी इजिली, ठीक है, हम इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, इजिली उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है जिसकी हमें, जिस पार्टिकल के ऊपर हमें स्टडी करनी है, वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, एक्चुअली वी कैन नॉट सी दिस पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल है, हम अपनी आंखों से उस पार्टिकल को नहीं देख सकते, इवन हम इंस्ट्रूमेंट से भी उस पार्टिकल को नहीं देख सकते, उस नहीं देख सकते इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट टेल द प्रेजेंट ऑफ दिस पार्टिकल, हमें प्रेजेंट के बारे में, वी डोंट हैव द एनी नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट ऑफ दिस पार्टिकल, उस पार्टिकल के प्रेजेंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें उसके प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, वी नो द पोजीशन ऑफ दैट क्लासिकल पार्टिकल, वी नो द वेलोसिटी विच इट इज मूविंग इनिशियली, वी नो द एक्सीलरेशन, वी नो द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द सिस्टम, लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो हमें उसकी पोजीशन के बारे में पता, वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, और हमें उसके ऊपर फोर्स के बारे में नहीं पता, उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लग रहा है, किस टाइप के वो पोटेंशियल के अंदर है, वो भी हमें वेल नोन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो प्रेजेंट है उसमें हमें एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, 100% हमें उसके प्रेजेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यदि प्रेजेंट ही क्लियर नहीं है तो हम उसका फ्यूचर कैसे क्लियर कर सकते हैं, जो फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करेंगे उसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है, वो जो फ्यूचर होगा वो सर्टेन नहीं होगा,
हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे होगा फ्यूचर में, वो अलग अलग पोजीशन पे फ्यूचर में हो सकता है, उसकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है फ्यूचर में, उसकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ठीक है, उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका मोमेंटम, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन, ये सभी चीजें अलग अलग हो सकती है। देखो ये एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं आएगी पोजीशन की, भाई इलेक्ट्रॉन यही होगा, एग्जैक्ट एनर्जी की एक वैल्यू नहीं आएगी, भाई इलेक्ट्रॉन यही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यही होगी, एंगुलर मोमेंटम एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि प्रेजेंट भी अनसर्टेन था, प्रेजेंट के बारे में भी वी डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज। यदि प्रेजेंट के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं भाई उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे सिंपल एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी एक आदमी से, जैसे किसी एक पर्सन से तुम पहली बार मिलते हो, और पहली बार मिलते ही क्या हम ये कह सकते हैं भाई ये बड़ा, मान लो एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, उससे हम पहली बार मिल रहे हैं, और पहली बार मिलते ही क्या हम ये कह सकते हैं भाई फ्यूचर में क्या बनेगा? जब तक हमें उसके प्रेजेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट स्टूडेंट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि हमें पता ही नहीं वो जो ग्रेजुएशन है, वो कॉलेज है, उसमें कौन सा कोर्स कर रहा है, किस चीज की वो पढ़ाई कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यदि हमें प्रेजेंट बहुत अच्छे से क्लियर है, जैसे प्रेजेंट क्लियर होने का मतलब हमें पता है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, किस लाइन में वो बीटेक कर रहा है या एमबीए कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, तो वी कैन इजीली प्रेडिक्ट दैट फ्यूचर, ठीक है। यदि प्रेजेंट के बारे में जितना गहरी नॉलेज होगी, जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, उतना ही हम फ्यूचर इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस प्रेजेंट अबाउट दी एनी क्वांटम सिस्टम, एनी क्वांटम टाइनी पार्टिकल, स्मॉल इलेक्ट्रॉन से प्रोटोन, ठीक है। सो वी डोंट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्यूरेटली, अनसर्टेनली, ठीक है। देर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी देर, ठीक है, हमेशा अनसर्टेनिटी एक वहां पे रहेगी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पार्टिकल की जो जो इनिशियल स्टेट थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से, और जो फ्यूचर था उसका, उसको भी हमने एक्स वाई वन प्लस डेल्टा वाई और जेड वन, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए हमने इक्वेशन यूज की न्यूटन इक्वेशन, ठीक है। ये जो न्यूटन इक्वेशन है इसका एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिंगल होगा। सिंगल सॉल्यूशन का मतलब हमें फ्यूचर में एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही पोजीशन होगी उसकी, ऐसे नहीं है ये जो इक्वेशन है ये एक से ज्यादा पोजीशन प्रेडिक्ट कर रही है, एक ही पोजीशन को प्रेडिक्ट करेगी। ये इक्वेशन काम तभी आएगी जब हमें प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इफ डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट कंप्लीटली, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट सिस्टम विद यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसका फ्यूचर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम पार्टिकल है उसके प्रेजेंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, पहले तो उसके प्रेजेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा हमें। जैसे इसके प्रेजेंट को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब किया था, तो जो क्वांटम पार्टिकल है उसके प्रेजेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करें, ठीक, हमें एक पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा। कैसे मैथमेटिकल बैकग्राउंड सेट करेंगे, कैसे उसके प्रेजेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा टूल होगा जिसकी हेल्प से वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट सिस्टम। और फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करेंगे उसमें जो फ्यूचर में हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो एक से ज्यादा रिजल्ट्स होने चाहिए, तो ऐसा कौन सा टूल होगा जो हमें एक से ज्यादा रिजल्ट्स दे सकता है। जैसे यहाँ पे जो न्यूटन इक्वेशन थी, इट इज ए टूल यूज्ड एज ए टू गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर ऑफ एनी क्लासिकल सिस्टम। यहाँ पे न्यूटन इक्वेशन थी जिसकी हेल्प से हम क्लासिकल सिस्टम के प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है तो प्रेजेंट में एक ही पोजीशन होगी, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स इन विच द क्वांटम पार्टिकल कैन स्टे, ठीक है, जो क्वांटम पार्टिकल है बहुत सारी पॉसिबल स्टेट में रह सकता है, तो वो कौन सा टूल होगा, वो कौन सा मैथमेटिकल टूल होगा जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंट से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑफ एनी क्वांटम पार्टिकल, ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं, पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ द क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल की प्रेजेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वो कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, और जो फ्यूचर होगा वो इन फ्यूचर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स कैन पार्टिकल हैव, ठीक है, पार्टिकल के पास बहुत सारी स्टेट हो सकती है।
ठीक है, तो हमें उस हिसाब से एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड सेट करना। तो अब बात करते हैं हम किसी भी जो क्वांटम स्टेट है उसकी प्रेजेंट स्टेट को या उसकी स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम मतलब एनी टाइनी पार्टिकल विच वी कैन नॉट सी विद आवर आईज विद एनी इंस्ट्रूमेंट विद लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसको हम कोई भी लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब हम नहीं बता सकते भाई उसकी पोजीशन कहां पे है। ठीक है, उसकी जो स्टेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, स्टेट को रिप्रेजेंट हम करते हैं एक वेव फंक्शन से। एक वेव फंक्शन हमारे पास साई, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेव फंक्शन। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो कोई भी सिंगल पार्टिकल है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो सिंगल पार्टिकल है, इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जो डी ब्रोगली ने कहा था भी, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेव। ठीक है, दिस वेव इज कॉल्ड एज मैटर वेव्स। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, इट हैज ए मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेव इज कॉल्ड द मैटर वेव्स, इज रिप्रेजेंटेड एज h अपॉन p। यहां पे जो h होगा ये प्लैंक कांस्टेंट है, एंड p इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो उस पार्टिकल से रिलेटेड एक, उस पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होगी जिसे हम कहेंगे मैटर वेव। ठीक है, तो कोई भी मान लो एक क्वांटम पार्टिकल है, उसकी एक सिंगल पोजीशन है, उसकी देखो जो पार्टिकल है उसकी अलग अलग पोजीशन हो सकती है प्रेजेंट में भी, हुई प्रेजेंट के बारे में भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी उसकी अलग अलग पोजीशन हो सकती है। ठीक है, उसकी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, उसकी अलग अलग मोमेंटम हो सकता है, एक से ज्यादा मोमेंटम हो सकते हैं, एक से ज्यादा पोजीशन हो सकती है उसकी। ठीक है, एक से ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो सकती है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई वेलोसिटी यही है उसकी, ये वेलोसिटी वी वन ही है उसकी, वी टू ही है उसकी, वी वन भी हो सकती है, वी टू भी हो सकती है, वी थ्री भी हो सकती है, तो एक से ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो सकती है। तो एक से ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ हो सकती है, मान लो उसकी वेलोसिटी वी वन है, वी टू है, वी थ्री है, वी फोर है, ये सारी प्रेजेंट वेलोसिटी है vn। ठीक है, तो एक वेलोसिटी से रिलेटेड मोमेंटम होगा पी वन पी टू पी थ्री, ये सभी मोमेंटम होंगे इसके। तो एक मोमेंटम से रिलेटेड हमारे पास एक वेवलेंथ होगी, दूसरे मोमेंटम से रिलेटेड वी हैव सेकंड वेवलेंथ, फ्रॉम द थर्ड मोमेंटम वी हैव थर्ड वेवलेंथ। तो इन सभी वेवलेंथ का जो एक कॉम्बिनेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट, उस कॉम्बिनेशन को हम उस पार्टिकल की स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस मोमेंटम पी वन के लिए लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ये वेवलेंथ होगी सभी। तो इन सभी वेवलेंथ का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम एक साई से रिप्रेजेंट करेंगे, साई जिसे हम कहेंगे वेव पैकेट। ठीक है, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे वेव पैकेट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये आर और टीपी, ये आर और टीपी कह सकते हैं या पी और टीपी। अलग अलग पोजीशन के लिए देखेंगे तो आर और टी, अलग अलग मोमेंटम के लिए देखेंगे तो पी और टी। ठीक है, तो इन दोनों से इस वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटम सिस्टम है, कोई भी क्वांटम पार्टिकल है, उसकी प्रेजेंट स्टेट्स को वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ए वेव फंक्शन, इट इज नोन एज वेव पैकेट। वेव पैकेट मतलब इट इज द ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैटर वेव, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप, इट इज द ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैटर वेव्स, बहुत सारी मैटर वेव का कॉम्बिनेशन होगा। बहुत सारी मैटर वेव कैसे, इसकी बहुत सारी पोजीशन हो सकती है, बहुत सारे मोमेंटम हो सकते हैं, तो उन सभी से रिलेटेड एक वेव होगी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा कंप्लीट, इट इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन और वेव पैकेट। सो एनी क्वांटम स्टेट्स ऑफ दैट क्वांटम पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट विद द वेव फंक्शन साई। जो वेव फंक्शन होगा वो आर टी होगा या पी टी होगा। इसको ये थ्री डायमेंशन है, इसको वन डायमेंशन में हम लिख सकते हैं, एक्स टी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में वाई टी, एंड जेड डायरेक्शन में जेड टी। ठीक है, इसका जो कंप्लीट इक्वेशन होगी वो ये होगी, ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, आर आई ओमेगा के आई आर आई। अलग अलग पोजिशन के लिए देखेंगे तो आर आई, ये इसको समीशन कर देंगे, आई इज इक्वल टू वन टू एन। ठीक है, देखो आर फर्स्ट अलग अलग पोजीशन के लिए, यदि हम एक्स डायरेक्शन में एक सिंपल केस ले लेते हैं, जैसे हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात करें, एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे तो इक्वेशन आएगी हमारी ई टू पावर आयोटा
के एक्स माइनस ओमेगा टी एक्स आई को आई इक्वल टू वन टू एन ठीक है आई एक्स आई है यहाँ पे एक्स आई का मतलब यहाँ पे एक्स वन किसी एक सिंगल ऐसी पोजीशन एक्स वन पोजीशन के लिए फिर एक्स टू पोजीशन के लिए फिर एक्स थ्री पोजीशन के लिए इन सभी का जो ग्रुप है कंप्लीट ग्रुप ये वेव पैकेट है ये वेव फंक्शन है ठीक है तो किसी भी क्वांटम पार्टिकल की स्टेट को हम एक वेव पैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये जो वेव फंक्शन होगा ये एक वेक्टर होगा इन वेक्टर स्पेस इन हिल्बर्ट स्पेस ठीक है हिल्बर्ट स्पेस में ये एक वेक्टर की तरह काम करेगा ठीक है ये जो वेव फंक्शन है इसको हम हिल्बर्ट स्पेस में एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो वेक्टर होगा इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर ये जो वेक्टर होगा ये बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ठीक है विद दी विद सम कोफिशिएंट सम विद सम रियल कॉन्स्टेंट या कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस में कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे कुछ बेसिस वेक्टर होंगे उन सभी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो ही हमारे पास सारी वेव फंक्शन होगा ये मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है सो साइज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर ठीक है तो इस साइज से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटम स्टेट्स को कोई भी पार्टिकल है कोई भी क्वांटम पार्टिकल है वी डोंट नो अबाउट दिस पार्टिकल वेयर इट इज एट विच पोजिशन एट पर्टिकुलर टाइम इट इज लाई ऑन दिस पोजिशन ठीक है तो हम कि उस पार्टिकल की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शन का यूज करते हैं ठीक है इट इज दी बेसिकली इट इज कॉल्ड एज ए वेव पैकेट ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन अब हम देख लेते हैं साई की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी पार्टिकल किसी भी क्वांटम पार्टिकल को ये डिफाइन कर सके इसके लिए इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ठीक है तो बेसिकली जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे नेट का हुआ जेम का हुआ ठीक है उनमें जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली साई की प्रॉपर्टीज से बनता है ये जो साई है वेव फंक्शन है ये जो स्टेट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ठीक है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है जो साई है वो कैसा होना चाहिए ठीक है देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साई प्रॉपर्टीज ऑफ साई जो साई है उसकी क्या स्टेट फंक्शन कह देते हैं इसको वेव फंक्शन कह देते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ठीक है तो जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी वो है इट इज मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा मतलब इसमें साइन वाली टर्म आएगी कोस वाली टर्म आएगी ठीक है एक्सपोनेंशियल आयोटा वाली टर्म आएगी आयोटा थीटा ठीक है इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इट इज ए मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन ठीक है ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी ये जो साई खुद है साई और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डी साई बाई डी एक्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डी साई बाई डी वाई या डी साई बाई डी जेड ये जो साई और डी साई बाई डी एक्स है ये फाइनाइट होगा और कंटिन्यूस होगा ठीक है जो साई और डी साई बाय डी एक्स है मतलब खुद ये वेव फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इट शुड बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूस ये फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए अब ये फाइनाइट क्यों होना चाहिए क्योंकि यदि इन्फिनिटिव हो गया तो ये पार्टिकल की क्वांटम पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं और ये कंटिन्यूस होना चाहिए कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए यदि ये कंटिन्यूस नहीं होता है तो इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो जीरो होगा If it is not continuous, second derivative of this psi is going to be zero at that point where it is discontinuous. जहां पे discontinuous है वहां पे d square psi by dx square की वैल्यू जीरो होगी यदि ये वैल्यू जीरो है तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंट से फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे किसी क्वांटम पार्टिकल का उस श्रोडिंगर इक्वेशन वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगी जहां पे ये डिसकंटीन्यूअस है देखो श्रोडिंगर इक्वेशन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारे पास आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स वन डायमेंशन में लिख रहे हैं प्लस बी साई
ठीक है, ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इस श्रोडिंगर, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से वी विल प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट एनी क्वांटम पार्टिकल, किसी भी क्वांटम पार्टिकल का हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें देखो डबल डेरिवेटिव आ रहा है, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ये जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। यदि ये जीरो होता है तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन इनवैलिड होगी उस पॉइंट पे, तो इसलिए साई और डी साई बाय डी एक्स हमेशा फाइनाइट और कंटिन्यूअस होने चाहिए। यदि ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगी, तो ये हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा श्रोडिंगर इक्वेशन, इसलिए ये हमेशा फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी है इट शुड बी सिंगल वैल्यू, इसकी एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पोजीशन पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इसकी दो या दो से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इट शुड बी ए सिंगल वैल्यू, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, देखो पहले तीन पॉइंट हो गए हमारे पास, इट शुड बी सिंगल वैल्यू, फाइनाइट, कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो फोर्थ पॉइंट है मतलब जो पार्टिकल है उसकी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी उसकी जो फ्यूचर है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है लाइक मोमेंटम, लाइक एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वेव फंक्शन, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ क्वांटम सिस्टम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट वेव फंक्शन साइन। किसी भी सिस्टम की कोई भी फ्यूचर में जो फिजिकल क्वांटिटी होगी लाइक पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, इट कैन इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वेव फंक्शन साइन। इस साई से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए हमें कुछ एक मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए जिसे हम ऑपरेटर कहेंगे। उस ऑपरेटर को हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑपरेटर इज ऑल अबाउट, हाउ कैन वी यूज दिस ऑपरेटर टू एक्सट्रैक्ट द एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। हम इसका ऑपरेटर का कैसे यूज करें, ठीक है, ये फर्दर लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दैट, we will discuss about that topic, operator, ठीक है। So any physical quantity of that quantum system can easily extracted from this wave function. It has ability to give all the physical quantity. ये एक बहुत ही powerful wave function, ठीक है। इसके अंदर इतनी power है कि ये कोई भी physical quantity of that particular quantum system can easily give. ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी का हमें ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा। मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम का अलग ऑपरेटर होगा, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का अलग ऑपरेटर होगा, एंगुलर मोमेंटम का अलग ऑपरेटर होगा। विद यूजिंग दिस ऑपरेटर वी कैन इजिली एक्सट्रैक्ट द होल फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम दैट वेव फंक्शन साई। और ये जो साई है ये हर एक क्वांटम सिस्टम के लिए अलग अलग डिफाइंड होगा, ठीक है। दैट दीज फोर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेव फंक्शन साई, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कुछ हमें वेव फंक्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सा जो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का मतलब वो वेव फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। यदि वो वेव फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो वी कैन से दैट दिस इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, मैं एक वेव फंक्शन दे देता हूं तुम्हें, तुम देखना इनमें से कौन सा जो वेव फंक्शन है इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है, फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो। सो वी हैव ए वन क्वेश्चन ऑन दी वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इनमें से कौन सा acceptable wave function, acceptable wave function का मतलब which follow the all properties that we have listed in the earlier, ठीक है। तो इनमें से कौन सा wave function होगा जो acceptable wave function होगा। देखो पहला wave function हमारे पास 3 sin x, ठीक है, जो 3 sin x है इसकी जो value है वो देखो, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक्स के अलग अलग वैल्यू पे, एक सिंगल एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, एक से ज्यादा एक सिंगल एक्स की वैल्यू पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती,
इट इज इस ये जो वेव फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। देखो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो कोस एक्स आएगा, कोस पाई एक्स, और ये खुद साइन है, ये दोनों वेव, ये दोनों फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, ये कंटिन्यूस होते हैं और इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। ये सिंगल वैल्यूड भी है, ये फाइनाइट भी है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो ये हम कह सकते हैं इट इज ए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसको फिजिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड देखो, सेकेंड वेव फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू 4 - x, ठीक है। ये जो वेव फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस क्यों होगा, देखो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम x इज इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू -4 पे, देखो x इज इक्वल टू, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 4 होगी, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब इस पॉइंट पे जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डी जी एक्स बाई डी एक्स ये 0 होगा, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है, तो इसको हम फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं कह सकते, और इस ये जो वेव फंक्शन होगा ये फाइनाइट भी नहीं होगा, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी होगा, एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे भी ये इन्फिनिटी होगा, इट इज ए नॉट फाइनाइट, इट इज ऑल्सो ए डिसकंटिन्यूस, सो इट वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट एज ए वेव फंक्शन एज ए स्टेट्स ऑफ द एनी क्वांटम सिस्टम, ठीक। ये जो एच एक्स इज इक्वल टू 5x ये कंटिन्यूस है, बेसिकली कंटिन्यूस है, लेकिन ये जो वेव फंक्शन होगा एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। ये फाइनाइट भी नहीं होगा, ये कंटिन्यूस है और ये सिंगल वैल्यूड भी है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखो ex इज इक्वल टू x पर, ये भी एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ex भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वेव फंक्शन भी इन्फिनिटी होगा। तो इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, 3 sin πx, एक ही ऐसा वेव फंक्शन है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 3 sin πx, ठीक है। इनमें यदि cos πx होता वो भी एक्सेप्टेबल होता, cos की जगह यदि 10 होता वो भी होता, तो जो भी ऑसिलेटरी वेव फंक्शन ऑसिलेटरी फंक्शन होंगे वो सभी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होंगे। जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होंगे, मतलब ये इट इज ए मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, वो सभी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होंगे।